बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। कंपनी की जो प्रीवियस क्लोज था वो 804 पे था, शुरुआत हुई है 800 के आसपास। पहले तो एक अच्छा गति तो मिला था, लेकिन बाकी शेयर्स की तरह 12 बजे इसका भी हाल ख़राब हो गया और 790 पे आके गिरा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक डाउन तो नहीं था, क्योंकि यहाँ से फिर से कंपनी ने वापस जितना खोया था उतना उसने दोबारा पाया और वहाँ से थोड़ी देर के लिए सस्टेन करके आगे बढ़ गया। तो पूरे दिन भर का अगर आप मामला देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान करने वाला कुछ भी नहीं था। हाँ, जब गिरा था तो इस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस वक्त शेयर अगर ख़रीदा था तो बुद्धिमानी का काम तब हुआ था। कंपनी अगले दिन चढ़ाई के साथ शुरू होगा। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपका इसमें शॉर्ट टर्म के लिए निवेश होना चाहिए 1890 का। 890 आसानी से आप एक से दो महीने के अंदर आप पा जाएंगे। 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए देखिए कंपनी को बहुत अच्छा आपको रकम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, 290 सीधा 300% मिला है हाइक रिटर्न। उसके मुताबिक आपका यहाँ पे सीधा हो जाना चाहिए 2000 का आंकड़ा, जो 2025 और 26 के बीच में आप 2000 आसानी से देख लेंगे। कंपनी के कुछ हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे तो मार्केट कैप इसका 740 बिलियन का है, पी रेशियो इसका 73 है और डिविडेंड येल्ड फिलहाल मौजूदा समय में 0.75% ये दे रहा है। इसी के साथ कंपनी के अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इसका रेवेन्यू ज़्यादा रहा है, जो 33.27 बिलियन का है। नेट इनकम 2.55 बिलियन का है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो अब बढ़ चुका है 15% 10 बिलियन के साथ, पर बाकी नेट इनकम की बात करेंगे तो ये 37% बढ़ा है 2.55 बिलियन के साथ। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 7 है और 24% बढ़ चुका है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 2.96 का है 45% बढ़ के, और इसी तरीके से इबिट्टा भी इनका 4 बिलियन का है। सीईओ इस कंपनी के है सुनील ए डिसूजा, ये शुरू हुआ था 1962 से और मौजूदा समय में 2932 लोग इसमें कामकाज कर रहे हैं।